हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ फूडी सिंस 2002। आज मैं आ गया हूँ राजवाड़ा पे, कुछ काफ़ी स्पेशल जगह पे। आज मैं आया हूँ प्रशांत होटल, जो कि इंदौर में पोहा स्टार्ट करने के पायनी है। इन्होंने इंदौर में सबसे पहले पोहा इंट्रोड्यूस किया था। इनकी दुकान काफ़ी ज़्यादा सालों से चल रही है। आज मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ इनका पोहा, इनका उसल पोहा और इनकी स्पेशल कचौरी। अभी मैं शॉप के ओनर के पास बैठा हूँ, विनोद अंकल नाम है अंकल का। आइए अब उनसे बात करते हैं। अंकल, आपकी शॉप कब, कितने सालों से खुली हुई है? सन 1949। शॉप आपने खोली थी या दादाजी ने? अंकल उनको अन्ना साहब बोलते थे। वैसे नाम उनका पुरुषोत्तम जोशी है और उनको अन्ना साहब के नाम से ही पूरे मैंने सभी जन इंदौर में उनको अन्ना साहब के नाम से ही जानते हैं। उनके साथ मेरे पिताजी, जो उनके छोटे भाई है, वो दोनों आए थे और दोनों ने चालू किया था ये सन 1949 में। और आज बढ़कर हम अब उनका उनके लड़के, अंकल के चार लड़के और हम पापा, हमारे दो भाई, तो हम छः जने हैं। तो अब चार दुकानें हमारे अभी चल रही है। कहाँ कहाँ पे दुकान है आउटलेट्स? ये वाला, ये तो राजवाड़ा वाला आउटलेट है। जेलोड़ पे थी, जेलोड़ पे अभी फिलहाल बंद हो गई है वो, क्योंकि मकान बिक गया है। एक तो राजवाड़ा है, एक विजयनगर है, एक सुयश पे है मेडिकल कॉलेज के सामने, और एक पिपलेहाना पे है। अरे भाई, इतनी सारी ब्रांचेस है। और मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है, आप ही लोग पोहा लेके आए थे। जो अन्ना जी है, वही पोहा इंदौर में लेके इंट्रोड्यूस किया था। जो भी है, श्रेय जो है हमारे अंकल और पापा को है, जो इंदौर में इनने प्रोफेशनली चालू किया। घर पे हर एक बनते होंगे, पर एक कमर्शियल लेवल पे उन्होंने चालू किया उसको। और तो मतलब आप लोगों ने स्टार्ट किया। पोहा इंदौर की ऑलमोस्ट हर गली में मिलता है, आपको भी मालूम है, बट फिर भी आपके इतना सालों से वही टेस्ट मेंटेन है। अगर अभी भी कोई प्रशांत की अभी भी कोई पोहे की बात करता है, तो सबसे पहले प्रशांत होटल का नाम आता है। तो ऐसा कैसा फील होता है कि आपका आउटलेट इंदौर में इतने गर्व महसूस होता है? गर्व महसूस होता है, परंतु इसके लिए पूरा इंदौर के लोगों का प्रेम और माँ अल्लाह की कृपा। जी, बिल्कुल सही बात। तो इनके कारण आज हम पूरा उसको मेंटेन करके चल रहे हैं कि जो क्वालिटी उस समय थी, वही क्वालिटी आज देने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके पोहे रहते भी बहुत टेस्टी है। और वो ही हमारा जो भी है गुड़ है कि बस नहीं, वो क्वालिटी में समझौता नहीं करेंगे हम। भले एक रुपया दो रुपये बढ़ाना पड़े बढ़ाएंगे, बाकी क्वालिटी में समझौता नहीं करेंगे। जितना तेल डलता है उतना तेल डलेगा, जितना मसाला डलता है उतना डलेगा। जो भी चीज़ जिसकी जरूरी है वो सब डलेगी, भले फिर पैसा हमें बढ़ाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात, क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हैं। चलिए, समझौता नहीं होगा। चलिए, थैंक यू अंकल, थैंक यू। मैंने मेरा उसल पोहा मंगवा लिया है। एक प्लेट उसल पोहा आपको 20 रुपीज़ का पड़ेगा। 20 रुपीज़ में क्वान्टिटी अच्छी दे रहे हैं। मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ उसल पोहे में क्या क्या दिया हुआ है। इन्होंने इसमें अंदर पोहा है, उसके ऊपर मोट की उसल है, प्याज और सेव और नींबू भी दिया हुआ है। तो मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है। काफी गर्म पोहा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। जो पोहे में इन्होंने उसल मिक्स करके दिया है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। उसल पोहा ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, इनका भी पोहा बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 5 में से 5 रेट कर सकता हूँ पोहा को। तो गाइस, अब मैंने इंदौर की आइकॉनिक डिश और प्रशांत होटल की स्पेशलिटी, जो कि पोहा है, मंगवा लिया है। ये एक प्लेट पोहा आपको 13 रुपीज़ की पड़ेगी। 13 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी सर्व कर रहे हैं प्रशांत होटल वाले। बाहर लोग 10 रुपये के पोहे में भी बहुत कम क्वान्टिटी सर्व करते हैं, ये लोग 13 रुपीज़ में बहुत अच्छी क्वान्टिटी सर्व कर रहे हैं। दैट आई रियली अप्रिशिएट। मैं इसको टेस्ट करके बता रहा हूँ कैसा लगता है। पोहे का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। जिस हिसाब से प्रशांत होटल का नाम चलता है इंदौर में पोहे के लिए, ये पोहा डेफिनेटली वर्थ है। पोहे को तो मैं 5 में से 5 रेट करूँगा। गाइस, यहाँ पे हम खाने तो पोहे आए थे, बट अंकल ने रिकमेंड किया कि हम यहाँ की स्पेशल
कचौरी ट्राई करें जो इनकी स्पेशल दही चटनी के साथ मिलती है। तो बस अब मैंने वही मंगवा ली है। आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने कचौरी के अंदर ही इनकी स्पेशल चटनी डाल के दी है। मैं इसको टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। कचौरी बहुत अच्छी लग रही है और उसका स्वाद दो गुना बढ़ गया है जब वो चटनी का स्वाद आलू की कचौरी के साथ आ रहा है। चटनी बहुत अच्छी लग रही है, सिंगल भी अगर मैंने टेस्ट करी थी पहले अच्छी लगती है। ये जो चटनी है ये प्रशांत होटल की स्पेशलिटी है। ये चटनी आपको इंदौर में और कहीं नहीं मिलेगी। प्रशांत की जितनी ब्रांचेज हैं वहाँ हर जगह ये आलू कचौरी विद दही चटनी मिल जाएगी। ये एक कचौरी की प्राइस 13 रुपीज़ है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फूडी सिंस 2002 है। मैं वहाँ पे भी काफ़ी अमेजिंग फूड कंटेंट अपलोड करता हूँ। ऑल्सो आप मेरे दोस्त तरुण खत्री जो कि ये वीडियो शूट कर रहे हैं उन्हें फॉलो करिए, वो भी बहुत अच्छे म्यूजिक कवर्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे। हम दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना अगर आपने कभी प्रशांत होटल पे पोहे खाए हैं तो, और कुछ भी आपका सजेशन हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड प्लीज़ फूडी सिंस 2002 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।